का यूक्रेन पर हमला लगातार तेज होता जा रहा है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन के लुगांस में दो शहर ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। रूसी सेना इन शहरों में घुसी थी और हमला किया था, जिसके बाद यहां मौजूद यूक्रेन के जवानों ने हालात बिगड़ता देख सरेंडर करने का फैसला किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन में घुसकर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलें दागी गईं, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है। रूस ने साफ कहा है कि जब तक यूक्रेन की सेना सरेंडर नहीं करती है, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। रूस हवाई हमले करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हवाई हमला किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जो काफी भयावह है। यूक्रेन पर सुबह से हो रहे हवाई हमलों में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। मिसाइल से हमले के बाद रूस ने यूक्रेन में अब टैंक से भी हमला करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के मारियोपोल शहर में कई टैंक घुसे हैं, वहां एयरपोर्ट के पास धुआं निकलने की भी खबर आई है। यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी एयरपोर्ट पर हमले की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।